हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? रानी की रसोई में स्वागत है। देखिए आज बनाने जा रही है पोई। ये साग बहुत अच्छा होता है खाने में, टेस्टी हेल्दी। देखिए जो इसके पत्ते हैं और डंडी, डंडी भी इसकी बहुत मुलायम और बहुत नरम होती हैं, तो इसको भी कट कर लेते हैं और इसको भी बना लेते हैं। खाने में ना बहुत अच्छी लगती है। इसको दाल में भी बना सकते हैं या फिर साग की तरह बना सकते हैं आलू में डाल के। तो आज हम आलू में इसको बनाएंगे। देखिए मैं इसको छोटा छोटा कट कर ले रहे हैं, कट करने के बाद धो लेंगे। देखिए ये सारी हमने पोई काट ली, अब इसको हम धो लेंगे। ओके, मैंने 4 आलू ले लिए मीडियम साइज के, अब इसका छोटा छोटा कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से आलू छोटे छोटे पीस काट ले रहे हैं। देखिए गैस पे रख दी है कढ़ाई, अब कढ़ाई में डाल देंगे तेल। आज उसमें रिफाइंड डाल लें, वैसे तो सरसों का तेल हो तो ज़्यादा अच्छा है। तेल को गर्म होने देते हैं, अब इसमें मैं डाल देंगे जीरा, डाल दे रहे हैं लहसुन, क्योंकि लहसुन का बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब देखिए इसमें आलू डाल दे रहे हैं, साथ में हरी मिर्च डाल दे रहे हैं। आलू को थोड़ा भूनने देंगे, उसके बाद हम साग डालेंगे। देखिए आलू भून चुके हैं, अब इसमें ऐड कर देंगे साग। इसमें डाल देंगे 1 चम्मच नमक, क्योंकि नमक थोड़े से डालना है। और डाल देंगे थोड़ा सा धनिया पाउडर, थोड़ा ही डालना है साग में, ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। लाल मिर्च इस साग में ज़्यादा मसाले अच्छे नहीं लगते। चला देते हैं इसको करीब 10 मिनट तक बनाना। इसको तेज गैस पे ही भूनना है, तो उसके बाद इसको थोड़ा मीडियम कर देंगे। जब इसका पानी सूख जाएगा तब मीडियम गैस कर देंगे। देखिए साग को पके हुए 10 मिनट हो गए हैं, अब इसको चेक कर लेते हैं। देखिए साग में कितना अच्छा कलर आ गया, देखना। अब इसमें पानी सारा सूख चुका है, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि चिपके ना। इसकी गैस कर देंगे थोड़ा कम, थोड़ी 5 मिनट और इसको भूनना है। अब इसमें डाल दे रहे हैं टमाटर, ताकि साथ में भून जाए ये भी। टमाटर इसलिए बाद में डालते हैं कि ताकि इसमें डले ना, क्योंकि ग्रेवी वाली नहीं सब्जी है, सूखी सब्जी है, तो ताकि टमाटर ऐसे जैसे आलू का कट किया वैसे टमाटर का शेप रखना चाहिए, देखने में अच्छी लगती है। देखिए अब इसको मैं खोल के देख ले, सब्जी देखिए कितनी अच्छा कलर आ गया इसमें, और सब्जी पक चुकी है। देखिए आलू फोड़ के देख पक चुके हैं, अब इसको सर्व कर लेंगे। देखिए अब पोई की साग की अब रेसिपी रेडी हो चुकी है। इसको आप आसानी से घर पे बना सकते हो, आप चाहे तो इसको लंच में बना सकते हो, अभी डिनर में बना सकते हो, इससे भरपूर होती है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक लिए फ्रेंड बाय।